जिस दिन से मैंने गाड़ी के टॉप मॉडल के अलॉयज निकलवा के डुअलटोन वाले ये बाहर के लगवाए थे, तब से लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया था कि वही अच्छे लग रहे थे, गाड़ी का कबाड़ा कर दिया ये वाले अलॉय निकलवा के। खासकर पीपीएफ करवाने के बाद ये जो ब्लैक कलर की अभी चढ़वाई है, इसके बाद तो और कहने लग गए कि अब गाड़ी अच्छी है, लेकिन अलॉयज ने बस थोड़ा सा नाश कर रखा है गाड़ी का, तो इनको चेंज कराओ, ओरिजिनल वाले लगवाओ, ये वाले लगवाओ, इनको ब्लैक करवा दो। तो आपकी ये कमी अभी मैं दूर कर देता हूँ। यस, मैं गाड़ी के अलॉयज आज चेंज कर रहा हूँ और इसके जो नए अलॉयज हैं वो उस गाड़ी में है, अपनी दूसरी ब्रेजा में। तो अभी चलते हैं लगवाने और आज देखते हैं आपकी वो कमी दूर होगी कि नहीं। आप कह रहे हो कि वैसे तो गाड़ी अच्छी है, लेकिन अलॉयज अगर मान लो चेंज हो जाए, पहले वाले लग जाए, तो बात ही कुछ और होगी। तो देखते हैं आपको गाड़ी कैसी पसंद आएगी। ये भाई यहाँ पे ले आया हूँ और यहाँ पे गाड़ी के ना अभी उतर रहे हैं, ये वाले व्हील उतारने शुरू कर देंगे, जैक लगा दिया, अभी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अब आपको शिकायत नहीं रहेगी अलॉय व्हील से रिलेटेड। ये अभी खोल देते हैं, ठीक है, खोलना शुरू हो गया, ये दूसरा खोलना शुरू हुआ इसका। ये अभी इस साइड के खोलने शुरू कर दिए, हटवा दें इनको, जैक से उतार दिए, अब रोड पे लेके चलते हैं। चलो अभी गाड़ी के शॉर्ट्स लेते हैं, बराबर में खड़ी और यहाँ पे मैंने कैमरा लगा दिया, तो राइट साइड से उसके शॉर्ट्स लेंगे। तो मैं, चलो फ़ोन है मेरे हाथ में, ज़्यादा सेफ तो नहीं, इसलिए मैं कैमरा लगा दिया, लेकिन थोड़े बहुत शॉर्ट्स तो लूँगा ही। अभी उसको ना मैं बराबर में बुलाऊँगा। आ रही है, अब देखना, अभी रिवील होने वाले इसके नए अलॉय। दिख गए, ये हमने इस वाली ब्रेजा के लगवा दिए। देखो अपनी वाली के जो थे वो तो लगना भी मुश्किल थे, तो हमने इस वाली ब्रेजा के उतरवा के उसमें लगवा दिए। जो आप कह रहे थे ना ओरिजिनल लगवाओ, ओरिजिनल लगवाओ, तो अभी देख लो यार ओरिजिनल कैसे लग रहे हैं। मुझे तो थोड़ा अजीब इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मेरे को आदत है ना अभी चौड़े वाले डलवाने की, थोड़ा इस साइड से भी देख लो, चौड़े वाले मतलब उसमें चलाने की। तो अभी देख लो कैसे लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ से तो नहीं देखेंगे, राइट में लानी पड़ेगी उसको वापस, तो मैं एक बार लेफ्ट ले आता हूँ उसको। और ये रोड ज़्यादा खाली है नहीं, अभी फिर से आ रही है गाड़ी, तो मेरे को तो चौड़े वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आप कहोगे ना अगले साल मैं ट्राई कर सकता हूँ, देखो ग्रैंड विटारा के लगवाने की, क्योंकि देखो गाड़ी में इसमें 16 इंच के अलॉयज आते थे, अभी इसमें है 17 इंच के अलॉय, 17 इंच के ऑब्वियसली टायर। अभी अगर मैं चेंज कराता हूँ अलॉय तो मेरे टायर खराब हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाह रहा कि मेरे टायर में, क्योंकि अभी चले ही नहीं है कुछ भी, मुश्किल से 10,000, ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये अभी मैं चला लूँ। अगर अलॉयज कहोगे तो मैं ग्रैंड विटारा के लगवा सकता हूँ, ये ज़्यादा नज़दीक चला रहा है यार। चलो भाई अब उसके भी शॉर्ट्स ले लेते हैं, इसके तो ले लिए, मेरे को तसल्ली हुई नहीं क्योंकि रोड ज़्यादा खाली है नहीं, ठीक है। एक ये सिटी में ना ये मुश्किल है, मैं जब गांव में रहता था ना, एक मेरे को ये चीज़ की तसल्ली थी कि रोड खाली होते थे, जो मैं चाह रहा हूँ उस तरीके की वीडियो बन रही है। अभी देखो इस गाड़ी में ना ऐसे लग रहे हैं, अभी थोड़ी सी आएगी बराबर में तो दिखाऊंगा, ये देख लो, अब ये गाड़ी ऐसी लग रही है। अच्छे इस कलर पे ना ये वाले अलॉय व्हील्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब आप बताओ कैसे लगेंगे अगर इस गाड़ी में इसको छोड़ दें, इसको रहने दें, इसमें इसका ओरिजिनल डलवा दें, क्या करना है। चलो देखते हैं, वो भी यहाँ तो जाम लग गया। मुझे तो ठीक यार, ये मुझे मेरी वाली में भी ठीक लगते हैं, ये तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक बार ना इनको चेंज करवा के देख लेता हूँ। और अपनी में लगवा दिया था मैंने सुजुकी वाला क्रिस्टल गियर नोब, अब देख लो भाई तसल्ली से वापस रेड लाइट हो गई, मुश्किल से 5-6 सेकंड के लिए ग्रीन हुई थी, वापस वही हो गई। ये वाली ना लुक बढ़िया दे रही है इस वाली ब्रेजा में, क्योंकि इस ब्रेजा की शेप ऐसी है कि क्लैडिंग्स की वजह से गाड़ी तो काफ़ी चौड़ी है और टायर, जो इसके टायर कह रहा हूँ, इसके टायर्स थोड़े से ना नैरो पड़ते हैं, तो ये वाले इसको सही जस्टिफाई कर रहे हैं इस गाड़ी की लुक को। और बाकी देखते हैं, और वो मेरे को बता देना अपनी वाली जो ब्लैक ब्रेजा है उसमें ग्रैंड विटारा के लगवा दूँ अलॉय व्हील्स 17 इंच के, आपको उनका डिज़ाइन कैसा पसंद है, क्या कैसे लगते हैं। मेरे को एक्चुअली मन था अलॉय चेंज कराने का, अभी पीपीएफ हुई उससे पहले मैंने घर पे डिस्कस किया, टिल्लू से करा था, मैं बोला यार अलॉय चेंज करा दूँ, मन भर गया, कह रहे एक बार पीपीएफ होके आने दे, सूट करेंगे, नो डाउट अलॉय सूट करे, सिल्वर कलर के हैं और ब्लैक पीपीएफ में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन लोग जैसे एक होता है ना सिल्वर कलर तो ठीक है, डिज़ाइन एकदम सिंपल है उनका, इस वजह से शायद लोगों को रास नहीं आ रहे, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, डिज़ाइन एकदम जैसे सीधी वो है इसमें, तो इस वजह से शायद पसंद नहीं आ रहा है। बस ज़्यादा शॉर्ट्स यार चलती गाड़ी के नहीं लेंगे, सेफ नहीं है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी घुस रहा है रोड में, देख रहे हो, तो ज़्यादा सेफ नहीं है, बस थोड़ा सा एक आखिरी शॉर्ट्स ले लो इस गाड़ी के बस, ठीक है, ऐसी लग रही है गाड़ी अपनी।
बस ये आखिरी वाली रेड लाइट तक ले रहा हूँ फिर खत्म। तो इस गाड़ी के साथ ही ऐसे लग रहे हैं, तो बताओ इसके भी अपग्रेड करवा दे ब्रेजा की तरह या इसके स्टॉक रहने दे? आप कहोगे ना वैसे ही कर लेंगे, शॉर्ट्स क्या बढ़िया आ रहे हैं। कोशिश तो यहाँ पे होल्ड करने की है गाड़ी को थोड़ा, कि थोड़ा सा ना ठीक से अगर यहाँ पे होल्ड कर पाए तो इसके देख लो अभी कैसे हैं। ये जो घूम रहे हैं ना ये मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, तो शायद इस वजह से लोग कह रहे हैं कि अलॉय चेंज कराओ। देख लेंगे यार, चेंज करा लेंगे आपकी, ज़्यादा वो नहीं मान लो ऐसा करेंगे कि सुन नहीं रहे, सुनेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी अभी तो इनमें पैसे लगाए हैं, तो शायद थोड़ा ये है कि वसूल कर लूँ। अगर इनको कोई ख़रीदे तो बता दो यार, मैं जल्दी चेंज करवा लूँगा। और बोलो, ये अगर ख़रीद लोगे तो मैं ग्रैंड विटारा के लगवा लूँगा। चलो आपकी कर लेंगे मन की। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैच है बस, आखिरी शॉट्स देख लो गाड़ी के ऐसे लगेंगे। बताओ क्या करना है, जल्दी बता दो, ग्रैंड विटारा के लगवा लूँ फिर। मेरा मन है वैसे कि ग्रैंड विटारा के ले लूँ, ओरिजिनल अलॉयज रहेंगे। तो एक बार बस लास्ट देख लो इस गाड़ी के शॉर्ट्स, फिर एक बार खड़ी करके और दिखा दूंगा, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अभी देख लो, तो अगर कहो तो देख लो फिर। आप ही कह रहे थे कंपनी के लगवाओ, कंपनी के लगवाओ, ये कंपनी के लगवा दिए हमने। ये देख लो भैया, अभी उतर रहे हैं, लास्ट टाइम इस पे ये वाले लग गए थे और इस पे ये वाले। अभी रोक के भी दिखा देता हूँ, ढंग से देख लो। तब तो चलती गाड़ी में तो कभी बार ढंग से दिखता है, कभी नहीं दिखते हैं। तो इसका ये देख लो, इस साइड से भी दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो, नहीं कर रहे ना सूट। अब ये वाला देखो, यहाँ से टायर एकदम अंदर चले गए, तो जो लुक थी वो ये वाली लुक थी, ऐसे टायर बाहर थे प्रोफाइल से, तो बल्कि लगती है ना। ठीक है, अभी इसे इसके मैं रोटेशन में पीछे कराऊंगा, ये वाले उतरवा के इसके रोटेशन करवा रहा हूँ, और इसके ये वाले जो हैं इस वाली ब्रेजा के, इसमें पंक्चर है तो वो लगवाना है। देखो वीडियो तो खत्म हो चुकी है, अब आपको दो चीजें कमेंट करके बतानी। नंबर वन, अपनी ब्लैक ब्रेजा में उस वाली ब्रेजा के अलॉय व्हील्स कैसे लगे, और उस वाली ब्रेजा में अपनी के जो सिल्वर वाले करोल बाग वाले अलॉय व्हील्स थे वो कैसे लगे 17 इंचेस वाले। मेरी वाली का मुझे पता, आप लोग यही कहोगे कि नई वाली ब्रेजा के अलॉयज अच्छे नहीं लगे, लेकिन आपकी के जो स्टॉक आए थे, मतलब मेरे में जो स्टॉक आए थे वो अच्छे लगते। तो देखो यार, वो आना तो इम्पॉसिबल है, वो अलॉयज अब नहीं आ सकते। ग्रैंड विटारा के जरूर लग सकते हैं, तो मेरे को वो भी बता देना ग्रैंड विटारा के इसमें कैसे जचेंगे, आपको वो अलॉयज कैसे लगते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, कमेंट करके प्लीज जरूर बता देना। थैंक यू।